नमस्कार, आप देख रहे खबर मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक चौंका देने वाली खबर निकल कर सामने आई है। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिर्फ बॉलीवुड वाले ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त और बॉलीवुड डायरेक्टर ने भी एक बड़ा धोखा दिया है। आखिर वो बॉलीवुड डायरेक्टर मुकेश छाबरा हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से धोखा दिया, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दरअसल आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसकी शूटिंग खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने दिल बेचारा फिल्म की सारी डबिंग कर चुका था। लेकिन कुछ ऐसे सीन्स बाकी रह चुके थे जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को अपना आवाज देना था, लेकिन उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ये बात जैसे ही मुकेश छाबड़ा को पता चला, मुकेश छाबड़ा तो बौखला ही गया था कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने दिल बेचारा फिल्म की पूरा कंप्लीट नहीं किया और उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। आखिर कहीं ना कहीं मुकेश छाबड़ा को जितना इस बात का नहीं दुख था कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए, उतना तो उसे इस बात की दुख थी कि आखिर फिल्म दिल बेचारा का पूरा शूटिंग कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मुकेश छाबड़ा ने आरजे आदित्य, जो कि एक बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनसे बातें की और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां पे आरजे आदित्य को अपनी आवाज देनी थी। लेकिन आज आरजे आदित्य, जो कि पहली बार सुशांत सिंह राजपूत का आवाज निकालता, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के आवाज सीखने के लिए 2 दिनों का वक्त दिया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का वो आवाज निकाल लिया। लेकिन फिर मुकेश छाबड़ा ने MS धोनी फिल्म का एक छोटा सा वीडियो क्लिप, जो कि आरजे आदित्य को भेजा और उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर वो अपना डबिंग दे और सुशांत सिंह राजपूत की तरह आवाज निकाल कर दे। आरजे आदित्य ने सेम टू सेम सुशांत सिंह राजपूत की तरह आवाज निकाल कर दिया, जिसको लेकर मुकेश छाबड़ा ने आरजे आदित्य को सेलेक्ट कर लिया और सुशांत सिंह राजपूत के उस दिल बेचारा फिल्म में जितने भी सीन्स बाकी रह गए थे डब करने के लिए, उसका सारा डबिंग जो कि आरजे आदित्य ने किया था। लेकिन इससे भी बड़ा एक खुलासा सामने आया, जिसमें आरजे आदित्य ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी डबिंग कंप्लीट कर चुका था, यानी कि कुछ ऐसे सीन्स थे जहां पे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आवाज दे दी थी, वहां का भी आवाज जो कि मुकेश छाबड़ा ने रिमूव कर फिर से आरजे आदित्य का आवाज वहां पे लगाया। आखिर मुकेश छाबड़ा ने ये बातें छुपा कर क्यों रखी? इसलिए रखी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के इस फिल्म में अगर उनके ऑडियंस को पता चल जाता कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का आवाज नहीं है, तो ये फिल्म फ्लॉप भी हो सकती थी और ऑडियंस देख भी नहीं सकता था, जिसको लेकर मुकेश छाबड़ा ने ये बड़ा धोखा दिया और इस बात को छिपाए रखा। उसके बाद फिल्म दिल बेचारा को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके इन्होंने काफी पैसा कमाया। आखिर इस तरह का धोखा मुकेश छाबड़ा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया। तो दोस्तों, इसी तरह का कोई अगर अपडेट आता रहेगा तो आपको मैं जरूर देता रहूंगा खबर मीडिया पे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।